हेलो स्टूडेंट्स, बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज से हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। आज मैं आपको केवल एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि देखो, अगर हमारे पास ए से बी की लिमिट में किसी फंक्शन का इंटीग्रल पड़ा, ठीक है, तो बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एफ फंक्शन का इंटीग्रल ए टू बी। लेकिन जो आपका फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, मतलब जहाँ एक्स होता है, उसके स्थान पर आप लिख सकते हो बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि आपकी बेटा पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज पी वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। यू हैव टू कीप इन माइंड, न्यूमेरिकल्स आपको मैं समझाऊंगा यूज कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाएगी, बट याद रहे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है जो ए टू बी एफ ऑफ बी प्लस ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, याद रहेगा, राइट है। इन दोनों के सम में से हमें एक्स सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमेशा बराबर होते हैं। इसके साइड बाय प्रॉपर्टी भी बनती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर क्या हो, आपके पास ए के स्थान पर जीरो आ जाए और बी के स्थान पर ए आ जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे दिखेगी, ए के स्थान पर जीरो बी के स्थान पर ए, तो ये तो यू का यू एफ एक्स डी एक्स। और राइट हैंड साइड में क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ जीरो यहाँ a, तो f हो, इन दोनों का सम क्या होगा, a प्लस जीरो का a, तो इसको हम a माइनस एक्स इंटू डी एक्स भी कह सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा। दो तरीके से यूज हो सकती है, a से बी बी और जीरो टू ए बी, ए से बी बी एज वेल एज जीरो टू ए बी, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मैं दो एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद एक असाइनमेंट देता हूँ जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस इस प्रॉपर्टी की बेटा हो जाएगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, जीरो से पाई अपॉन टू साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, ये निकालना है। मान लीजिए ये आपके पास है बेटा एक इक्वेशन, ठीक है। अब हम जानते हैं, ऑल्सो वी नो दैट ये जो अंदर वाला है, इसको एक तरह से ही मान के चलो बेटा ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो ऑब्वियसली मैं इसी इंटीग्रल को किसके बराबर लिख सकता हूँ, जीरो से पाई बाई टू यानी कि ए और एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, अभी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी में पढ़ाया। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है उसका काम कौन कर रहा है, ये पूरा, और ए का काम कौन कर रहा है, पाई अपॉन टू। तो मैं किसी आई को इसी इंटीग्रेशन को ये भी कह सकता हूँ जीरो से पाई अपॉन टू, और जहाँ जहाँ एक्स है उसको पाई अपॉन टू माइनस एक्स में रिप्लेस कर दूँ। तो अगर एक्स को मैं पाई अपॉन टू माइनस एक्स से चेंज करूँगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास, कोस क्यूब एक्स। सोचो साइन पाई अपॉन टू माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, पावर एज इट इज। नीचे बन जाएगा कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, दोनों आपस में चेंज हो गए, साथ में क्या आया डी एक्स। मान लो ये आपके पास है बेटा इक्वेशन नंबर दो, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आई में आई ऐड करोगे टू आई, इधर जीरो से पाई अपॉन टू, दोनों की लिमिट एक जैसी है, इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा डी एक्स कॉमन। देखिए दोनों का डिनोमीटर सेम है, आपके पास दोनों का सेम आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, ऊपर दोनों को ऐड करोगे तो वही आएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। तो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, कैंसिल होकर क्या जाएगा वन। अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, लिमिट क्या है, जीरो से पाई अपॉन टू, तो ये हो जाएगा बेटा पाई अपॉन टू माइनस जीरो, बट दिस इज टू आई एक्चुअली, और हमें आई निकालना है, तो दैट इज पाई अपॉन फोर। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 1 से 4 रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस एक्स रूट एक्स। तो ये बेटा ए से बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, इसको मान लो आप एक इक्वेशन। ऑल्सो हम जानते हैं कि इसी आई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 टू 4 अंडर द रूट, जहाँ एक्स है वहाँ पर बी प्लस ए, बी प्लस ए कितना होता है 4 प्लस 1 5, तो 5 माइनस एक्स। इसी प्रकार नीचे ये तो 5 है, माइनस जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखूँगा मैं 5 माइनस एक्स, प्लस यहाँ भी क्या करूँगा मैं 5 माइनस एक्स, साथ में क्या हो गया डी एक्स। तो ये हो गया आपके पास, एक तरह से सॉल्व करोगे तो 1 से 4 ऊपर तो रूट 5 माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा ये रूट एक्स और वो रूट 5 माइनस एक्स, साथ में है डी एक्स। ये होगी इक्वेशन नंबर दो। वही बात है बेटा, दोनों को ऐड कर दो, आई प्लस आई हो जाएगा 2i। जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो 1 से 4 लिमिट और अंदर वाले का सम फिर से वही वन आएगा, साथ में क्या है डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन x हुआ, लिमिट 1 से 4, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3, सो 2i इज इक्वल टू 3, इट मीन्स आई आपके पास क्या हुआ 3 अपॉन 2 के इक्वल हुआ। सेम क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे बेटा, उनकी प्रैक्टिस करना।